मध्य प्रदेश में वन्य जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों में हाल ही में एक नया आयाम जुड़ा है। यह प्रयास है बहते पानी की टाइगर फिश कही जाने वाली महाशीर मछली का संरक्षण। महाशीर, जिसे मछुआरे बाड़स के नाम से जानते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम टोर टोर है। प्रदेश की पहाड़ी और पथरीले तल वाली तेजी से बहती नदियों में महाशीर का मिलना कभी आम बात हुआ करती थी। नर्मदा नदी में तो यह प्रजाति इतनी अधिक पाई जाती थी कि होलकर शासन के समय देवी अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए महेश्वर घाट पर मंदिरों के मूर्ति शिल्प में इसकी आकृतियां आज भी देखी जा सकती हैं। महाशीर जहाँ पे रहती प्रजाति, वहाँ पे उसको वही इम्पोर्टेंस मिलता है जो एक जंगल में बाघ या बाघ का मिलता है। इसका जब सर्वेक्षण किया गया तो ये बड़वाहा डिवीजन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा बड़वाहा वनमंडल का जो करीब 60-65 किलोमीटर का जो वाटर स्ट्रीम है, इसमें महाशीर मछली के हर स्टेज के की मछलियाँ पाई गई। लगभग 5-6 दशक पहले तक नर्मदा में महाशीर की उपलब्धता 36% तक दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2015 तक आते आते यह मौजूदगी घटकर लगभग 3% से भी कम रह गई है। इसका प्रमुख कारण है नदियों के प्रवाह में कमी और बढ़ता जल प्रदूषण। सौभाग्य से वन क्षेत्रों से बहकर आने वाली नर्मदा की कुछ सहायक नदियों का प्रवाह अभी भी निर्बाध रहने के कारण इनमें महाशीर की स्थानीय प्रजाति की अंगुलिकाएँ व बड़ी मछलियाँ आज भी पाई जाती हैं, जिनका संरक्षण व संवर्धन करके इस प्रजाति को बचाया जा सकता है। वर्ष 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर राज्य शासन द्वारा महाशीर को राज्य मत्स्य का दर्जा दिया गया। इस महत्वपूर्ण प्रजाति का नर्मदा नदी में संरक्षण करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश वन विभाग तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने मिलकर एक संयुक्त परियोजना वर्ष 2015 में प्रारंभ की है। वनों से बहकर आने वाली नर्मदा की सहायक चोरल, बेदा व कारम नदियों में इस प्रजाति का अंतःस्थली संरक्षण किया जा रहा है। स्थानीय मछुआरों की मदद से इन नदियों में महाशीर के प्राकृतिक प्रजनन स्थलों की पहचान करके वन विभाग द्वारा उनका संरक्षण किया जा रहा है। निमाड़ की बहती हुई नदियों में महाशीर के संरक्षण के साथ साथ बड़वा वनमंडल में कृत्रिम रूप से बनाए गए एक तालाब में वन क्षेत्रों की नदियों से लाई गई अंगुलिकाओं का पालन पोषण भी किया जा रहा है। इस तालाब में पथरीले तल पर बहती नदी का वातावरण कृत्रिम रूप से बनाकर उसमें छोड़ी गई महाशीर अंगुलिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन व जल की गुणवत्ता की निरंतर जांच पड़ताल की जा रही है। इस परियोजना में स्थानीय मछुआरों की आजीविका को मजबूत करने के लिए बाढ़स मित्र मंडलों का गठन करके मछुआरों के परिवारों को भी इसमें जोड़ा गया है। परियोजना के अंतर्गत महाशीर के संरक्षण संवर्धन के लिए बनाए गए नदी नुमा तालाब में मछलियों को सुबह शाम उनका आहार खिलाना भी अपने आप में एक रोचक गतिविधि है। इसे भविष्य में इको पर्यटन की गतिविधि के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। महाशीर राज्य की मछली है, ये मध्य प्रदेश की शान है। बहते पानी में सरवाइव करती हुई महाशीर को बचाने का संकल्प हम सब ने लिया है। मैं अपील करता हूँ कि महाशीर मछली को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए राज्य शासन जो उपाय कर रहा है, वन विभाग जो प्रयास कर रहा है, उसमें आप सब सहयोग करें।